जैसा स्वामी जी ने कहा, ये केवल हमारे शरीर को ही नहीं आत्म साक्षात्कार का माध्यम है। वह हमारा सर शरीर मन बुद्धि इंद्रिय भावना सबको प्रभावित करता है। हम महर्षि पतंजलि को पढ़े, हमारी हजारों लाखों वर्षों की जो परंपरा है, और जैन धर्म की ओर से भी मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, जितनी भी जैन प्रतिमाएं अगर आप देखते होंगे, भगवान ऋषभ से लेकर के भगवान महावीर तक, वे सारी ज्ञान और योग की मुद्रा में हमें मिलती है। तो हमारी ये महान विरासत जो है, और बाबा रामदेव जी मैं आपका इस बात के लिए भी अभिनंदन करना चाहता हूँ कि आपने कहा कि अब जो ये नया यज्ञ शुरू हो रहा है सारे विश्व में फैलाने का, उसके अंदर आपने सभी धर्मों को याद किया है, सभी संस्थानों को याद किया है, और सबको एक साथ जो आपने लिया है सचमुच में, और स्वामी जी से तो हम क्या क्या नहीं सीखे, इन्होंने योग को भी और पतंजलि जैसे उद्योग को भी, और उस उद्योग का भी सदुपयोग कैसे करना वो हम इनसे सीख सकते हैं। इसलिए मैं स्वामी चिदानंद जी के स्वर में भी स्वर मिलाना चाहूंगा। कई ऐसे संकेतित शब्द आए, शोध का आया, प्रतिशोध का आया, निंदा का आया, मैं तो कहूंगा धंधा और चंदा भी नहीं होना चाहिए। इस मामले में हम स्वामी रामदेव जी से प्रेरणा लें, और मैं यही कहता हूं कि आओ मिलकर बैठे, आपस में बात करें, चार कदम ही सही चलने का साथ करें, यो तो दूरी से दूरी बढ़ती जाएगी, कभी तो हम खुद से खुद की मुलाकात करें। आओ बंधुओं, ये योग हमें खुद से खुद की मुलाकात और खुद से खुदा की मुलाकात कराएगा। ओम।